गुड मॉर्निंग आज है ना, आज गुड मॉर्निंग वाले सीन है। तो नहीं नहीं आर्बिट्राज के क्वेश्चन है 35 से लेके 39, ये दो तो मिसलिए नहीं, ऐसे कोई पुराने क्वेश्चंस हैं किसी बुक के तो वो इधर डाल दिया। हाँ, एक तो आज का क्लास वर्क तो ये है, और जो होमवर्क दिया था उसमें किसी में दिक्कत आई? अटेम्प्ट तो कर लिया, अब बाकी आज तो ठीक है। होमवर्क का वीडियो अलग बना दूंगा और पीडीएफ भी भेज दूंगा। टोटल कितने क्वेश्चन है होमवर्क के? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा, ठीक है, पीडीएफ होपफुली हो जाएगा सारा। एमएम विदाउट टैक्स विद टैक्स वाले ही है, सेम जो कल क्वेश्चन किया ना 30th, उसी की कॉपी पेस्ट है, कुछ डेटा इधर उधर हुआ हुआ है और कुछ भी नहीं। तो लेट्स बिगेन, ये 5 क्वेश्चन आज का टारगेट है, हो भी जाएंगे, ईजिली हो जाने चाहिए। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, कौन सा लें भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चलो क्वेश्चन नंबर 25, थोड़े से गंदे वाले क्वेश्चन है जी, और कुछ नहीं। मतलब ये मेन जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा ना, एमएम ट्रेडिशनल एनआई एनवाई, उन सब से थोड़ा थोड़ा डेविएट होके बनी हुई क्वेश्चंस है। मतलब एग्जैक्ट थ्योरी वाले फॉर्मूले नहीं लग रहे, उसको थोड़ा सा वो क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब जैसे एनआई के अंदर वो टैक्स डाल देंगे, अब एनआई में तो टैक्स है ही नहीं, और वो टैक्स का क्वेश्चन बना के बोलते हैं एनआई से सॉल्व करो, ये तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कर लें, या फिर एमएम के अंदर केडी को चेंज कर दे, मैं ये फिर से हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। या हमने आज तक जितने क्वेश्चन किए ना, सब में इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज नहीं था, एसेट लेवल चेंज नहीं था, तो ईबीआईटी क्या रहा, कॉन्स्टेंट। तो ईबीआईटी चेंज कर रहे हैं कि बोलते 10 लाख रुपए ला रहे हैं, उससे एक नई मशीन हो रही है, नई मशीन से ईबीआईटी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हमने जो मेन 4 थ्योरम, बेसिक थ्योरम हमने जो पढ़ ली है, एनआई एनवाई ट्रेडिशनल एमएम विदाउट टैक्स और विद टैक्स, उनसे ये क्वेश्चन क्या है, थोड़े से ट्विस्टेड है, चेंज है। तो ठीक है, उस चेंज को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो जैसा डेटा होगा वैसा काम करेंगे, जितनी थ्योरी लग पाएगी उतनी थ्योरी लगा देंगे, बाकी जिस डेटा में जहां चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करेंगे। बात समझ में आई? तो लेट्स गो फॉर इट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, ये जैसे मे क्वेश्चन नंबर 25 आरटीपी मे 21 का है, रिसेंट आरटीपी का हो गया, पिछले साल का हो गया है ना, तो लेट्स गो फॉर इट। अब इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें 2 ट्विस्ट डाले मेरे हिसाब से, देखते हैं क्या। बैठो जल्दी, सेटल हो जी जल्दी। सेटल। हाँ देखो, अभी क्वेश्चन 25, केली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ 50 लाख। ये क्या है, ये है क्या अमाउंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी है फर्म में, टोटल कैपिटलाइजेशन, यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस है नहीं, रिजर्व है नहीं, डेट भी, यानी ये क्या है, इक्विटी और डेट का वैल्यू मिला के वैल्यू है। पर ये कौन सा वैल्यू है, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है? अपन ये क्वेश्चन पहले भी किया है, जहां उसने 20 लाख वाला काम शुरुआत किया था, ये भैया 50 लाख फिक्स कैसे हो सकता है, ये तो इसका मतलब फिक्स तो एक ही चीज होती है, क्या, बुक वैल्यू। हाँ जी, तो आपको दिया बुक वैल्यू 50 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का, डेट और इक्विटी मिला के। देखो लाइन पढ़ते ही, वर्ड पढ़ते ही थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। इट नॉर्मली अर्न्स 5 लाख, अगर ये ब्रैकेट नहीं भी लिखा होता तो भी क्या मानते हैं, ईबीआईटी। हम कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में हमेशा क्या मानते हैं, ईबीआईटी मानते हैं। पर एक चीज समझना, एग्जाम में आपको लिख के थोड़ी देगा कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, ये डिविडेंड पॉलिसी का, ऐसा क्वेश्चन लिख के देता है क्या? यानी आपको क्वेश्चन पढ़ के ये भी समझना होगा कि चैप्टर कौन सा लग रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के तो बहुत सारे मतलब होते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना होगा कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और इसमें प्रॉफिट वर्ड यूज लिखा है, तो ये क्या बनने वाला है, ईबीआईटी। ये बहुत दिक्कत आता है कि सर ये कौन सा वाला अर्निंग है, ये कौन सा वाला प्रॉफिट है। चलो यहाँ तो क्लियर भी लिख दिया कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म वांट टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन लेना, बेसिकली ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम और जहाँ WACC मिनिमम होती है। तो देखते हैं अब क्या बोलता है।
आफ्टर अ स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट ही गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकाला. अमाउंट ऑफ डेट अगर जीरो रखता है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऑब्वियस है. पर उस केस में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एट गिवन लेवल ऑफ डेट इज 10%. ये क्या दी हुई है कि पर अगर डेट 5 लाख लेता है तो इंटरेस्ट 6% लगेगा. ये परसेंटेज में इंटरेस्ट रेट, इट इज परसेंटेज. और के इंक्रीज हो जाएगा, 10 लाख करेगा तो वो 6 ही रहेगा पर इधर 11 हो जाएगा. 15 लाख लाएगा तो 6.2, इधर 11.3. कौन सा वाला मेथड थ्योरी लग रहा है? कौन सी वाली थ्योरी लग रही है? ट्रेडिशनल. क्यों पता चली? कैसे पता चली? केडी भी बढ़ रहा है और केई भी बढ़ रहा है. What amount of debt should be employed by the firm if the traditional approach is valid? ये लो, खुद नहीं लिख दिया traditional approach है, पर जाते जाते B part और लगा दिया. If the MM approach is followed, अरे MM में तो KD क्या होती है? पर data में तो लिखा है अलग अलग है. If MM approach is followed, what will be equity capitalization rate? अब क्या चाहता है? K, पर KD तो दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब B part करते वक्त टेबल में से वो जो केई वाला कॉलम है उसको क्या करने का है? इग्नोर करना है. पर ये एमएम कौन सा है? विथ टैक्स, विदाउट टैक्स? अज्यूमिंग दैट द कॉर्पोरेट टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट. और विदाउट टैक्स में केई का फॉर्मूला सीधा है हमारे पास, केओ प्लस केओ माइनस इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट इनटू डी अपॉन ई. इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही है, ये प्योर एमएम नहीं है. एमएम में ट्विस्ट डाल दिया. एमएम करते वक्त कल अपन ने समझा था कि इंटरेस्ट रेट चेंज, यहां तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही है. या फिर हमारा वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला कर लेंगे, क्या था? ईएटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो शॉर्टकट वाला चला देंगे, वो आसान रहेगा. उसमें इंटरेस्ट का भी इफेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि ईएटी निकालते वक्त आप इंटरेस्ट ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुके होंगे. Assuming that corporate tax do not exist and that the firm will always maintain its capital structure at book value. ये देखो bold मैंने किया, exam में bold होके नहीं आएगा. ये बहुत बदमाशी वाला line है. क्या कहा है, problem है. क्या बोलता है? Assuming that corporate tax do not exist and the firm always maintain its capital structure at book value. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जी, पूरा क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को बुक वैल्यू पे करना है, मार्केट वैल्यू पे नहीं करना है. तो अगर WACC भी निकालनी है तो किस पे निकालनी है? बुक वैल्यू पे. जबकि अपन ने अभी जितने भी थ्योरी पढ़े, NINY ट्रेडिशनल, सब में अपन ने वेट इक्विटी वेट डेट निकालते वक्त डेटा क्या यूज किया है? मार्केट वैल्यू वाले डेटा यूज किया. वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट, वो यूज किया ना, और वो तो क्या है? मार्केट वैल्यू है. तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, दो जगह ट्विस्टेड है. नंबर वन, एमएम में एक तो केडी चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है. और नंबर दो, उसने WACC जब निकलवाने के लिए बोला तो WACC उसने क्या बोला है? बुक वैल्यू पे निकालो. ट्विस्ट समझ में आ गया भाई? तो आज मैं पांचों क्वेश्चन कुछ ऐसे ही ले रहा हूं जो हमारे बेसिक एजम्पशन से थोड़ा सा हटे हुए क्वेश्चन है, पर मेथड फॉर आपको अप्रोच लगाने को जरूर बोला है. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 25. जो होमवर्क आपके 6 क्वेश्चन बचे हैं वो प्योर थ्योरी वाले क्वेश्चन है, एमएम के ट्विस्ट वाले सारे ले ही रहे हैं. सबसे पहले टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, बुक वैल्यू 50 लाख, ईबीआईटी 5 लाख, टैक्स निल, ए ट्रेडिशनल. सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? डेट 0, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड सो ऑन, वो आप बना लीजिए. इंटरेस्ट रेट डैश 6%, 6%, 6.2% एंड सो ऑन. नेक्स्ट केई 10%, 10.5%. लंबी बढ़ेंगी हाँ टेबल, थोड़ी जगह रुक जाइए, टेबल के सारे कॉलम बना दो उसके बाद बनाइएगा. 11.30%, ये तो हमारे को जो डेटा दिया वो आ गया. वॉट अमाउंट ऑफ डेट शुड बी एम्प्लॉयड इफ ट्रेडिशनल अप्रोच इज एम्प्लॉयड. वॉट अमाउंट ऑफ डेट, यानी कि आपको बेसिकली डेट ऑप्टिमम लेवल पे कितना है वो निकालना है. ऑप्टिमम लेवल पे डेट कितना है वो निकालना है. तो ऑप्टिमम निकालने के लिए नंबर वन,
वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, वो तो उन्होंने खुद नहीं दे रखा बुक वैल्यू। नंबर दो केईओ निकालो, केईओ WACC निकालो। और क्वेश्चन ने स्पेसिफिक बोला है केईओ किस पे निकालने का है, बुक वैल्यू। केईओ का फॉर्मूला क्या होता है? WE KE WD KD। केई दिया हुआ, केडी दिया हुआ है, डेट भी दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज निकालनी है, इक्विटी। निकाल सकते हो क्या? इक्विटी इज इक्वल्स टू टोटल सी माइनस डेट 50 लाख, और ये है बुक वैल्यू, ये है बुक वैल्यू। इतना आसान हो गया, ये हो गया 45 लाख, ये हो गया 40 लाख, ये हो गया 35 लाख। डेट दिया हुआ है 50 लाख में, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब केओ निकाल देते हैं, केओ इज इक्वल्स टू वेट इक्विटी केई प्लस वेट डेट केडी। तो यहां पर तो हो गया जी 10%, यहां हो गया आपका पॉइंट कितना, 45 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10.50 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 6। समझ में आता है भाई? डेट इक्विटी 45, डेट 5 लाख, ये 5 लाख, टोटल 50-50 से डिवाइड हुआ, वेट बन गए, ये केई से मल्टीप्लाई हुआ, ये केडी से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया जी? 0.05। नेक्स्ट 40 डिवाइड बाय 50 इंटू 11 प्लस, डेटा चेंज हो रहा है, 10 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू राउंड नेक्स्ट एंड सो ऑन, कंप्लीट कर लो। बस खत्म, अपने को जाए ये केओ, कौन सा वाला ऑप्टिमम होगा पॉइंट, जहां केओ मिनिमम होगा, बस वो एक लाइन लिख देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट लेते हैं फिर, एमएम इजी हो गया। हाँ ठीक है, कर लो फटाफट। थोड़ा क्विक करो रे भाई, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो ट्विस्टेड वाले हैं, तो थोड़ा समय लगता है बोलने और समझाने में। टेबल भर लेना, मैं आंसर यूज कर लेते हैं अपन, है ना। Since KO is since KO WACC is lowest at 0.5, 10, 15 at 15 lakh rupees of debt, at 15 lakh rupees of debt, comma, it is optimum debt level. It is optimum debt level in capital structure. It is optimum level of debt in capital structure. एक चीज सोचो, सुनिएगा मेरी बात ढंग से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी होती, हाँ भाई थोड़ा सा ट्विस्ट, अगर ये बुक वैल्यू वाली लाइन नहीं लिखी होती फिर क्या करते? तो फिर कैसे करते हैं? जोर से बोलो ना, सुने नहीं। अगर बुक वैल्यू पे तो हम डिसीजन ले ही नहीं सकते ना, फिर कैसे करते इस क्वेश्चन को? फिर इस क्वेश्चन को करने का तरीका बदल जाता, सुनिएगा कैसे होता। ये हटा रहा हूं इधर से, ध्यान से देना, देखना भाई। फिर सारा का फिर ये केओ बुक वैल्यू पे थोड़ी कैलकुलेट होता, फिर हमारे को इक्विटी की क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू चाहिए, निकालनी पड़ती। वो कैसे निकालते, ये हटा दूं?
देखो जी ट्विस्ट, अगर 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 इन केस बुक वैल्यू के बारे में नहीं बोलता तो क्या होता, सुनना मेरी बात ढंग से। इन केस क्वेश्चन डू नॉट रिक्वायर WACC यूजिंग बुक वैल्यू, तो एक्चुअल आंसर क्या होता वो ये होता, और आंसर भी डिफरेंट आता, फिर 15 लाख आंसर शायद नहीं आता, ध्यान देना कैसे करते। फिर हमें डेट और इक्विटी की मार्केट वैल्यू चाहिए, डेट की तो वैल्यू है, इक्विटी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, इक्विटी के कैश फ्लो डिवाइड बाय इक्विटी की रेट, ये दी हुई इक्विटी की रेट। सिर्फ आपको इक्विटी के कैश फ्लो चाहिए, और इक्विटी को क्या कैश फ्लो मिलते हैं, EBT। आपको क्या दिया हुआ है, EBIT। आपको EBIT दिया हुआ था, EBIT 5 लाख माइनस इंटरेस्ट डैश, 5 लाख इंटू 10% 30,000, 10 लाख इंटू 10% 60,000 EBT, यही आपका हो जाता 4,70,000 एंड दिस इज 4,40,000। ये आप EBIT, एक तो मैं EBIT हमेशा लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइड बाई KE, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.10 इज इक्वल्स टू 50 लाख, 4,70,000 डिवाइडेड बाई 10.50% इज इक्वल्स टू 44,190। ये आया वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये हो गई आपकी वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वैल्यू ऑफ डेट है। फिर आपका KO निकलता, KO इज इक्वल्स टू वेट इक्विटी KE प्लस वेट डेट KD, फिर पूरा ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस पे होता। क्वेश्चन में ये थोड़ा सा क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता, गॉट इट, इनफैक्ट समझना मेरी बात। फिर उस केस में इस 50 लाख को देने की जरूरत भी नहीं रहती, ये 50 लाख दिया इसीलिए था ताकि आप क्वेश्चन को किस पे कर सको, बुक वैल्यू पे, तभी तो आपने इक्विटी निकाला था 50 लाख 45 लाख 40 लाख एंड सो ऑन। क्वेश्चन में ट्विस्ट समझ में आया, अगर ये बुक वैल्यू नहीं बोला होता तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते, अल्टरनेट है जी, अगर ये नहीं बोलता तो। नेक्स्ट ले रहा हूं पार्ट MM का, नेक्स्ट ले रहा हूं पार्ट MM का, और MM में प्रॉब्लम है, MM में प्रॉब्लम ये है कि KD कॉन्स्टेंट नहीं है। इस केस में होता 4476110 डिवाइडेड बाय 4976110, ये और वो ऐड होके मल्टीप्लाइड बाय कहां गया 10.5 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 4976190 इनटू 6%। आप ये भी कर सकते थे, और इसके अलावा डायरेक्ट ही निकाल लेते 5 लाख डिवाइडेड बाय 4976110 इनटू 100, तो भी आपका डायरेक्ट KO निकल जाता। EBIT डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या हुआ, दिक्कत है क्या, हाँ जहांगीर साहब क्या प्रॉब्लम आई, EBIT डिवाइड बाय EBIT किसका कैश फ्लो होता है, वो KE निकलता। अपन KO पर डिसीजन लेते हैं ना, KE मिनिमम थोड़ी करनी होती है, KO मिनिमम करनी होती है। KO के लिए क्या करोगे, EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, सेम आएगा, या तो ये वाले मैच फॉर्मूले से करो या डायरेक्ट EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म करो तो भी आ जाता, थोड़ा सा आंसर फिर चेंज हो जाता, इनफैक्ट लंबा हो जाता, इजी नहीं रहता। टैक्स तो है ही नहीं अभी तक ट्रेडिशनल में, बढ़ा दूं आगे, सेकेंड पार्ट ले लूं भाई, MM शुरू करूं, ये हटा दूं, चलो ये सिर्फ समझाने के लिए था। एग्जाम में अपने को ओरिजिनल वाला ही काम करना है, जो अगर ये लाइन लिखी है तो, और लाइन नहीं लिखी है और आपको ये 50 लाख नहीं दिया हुआ है तो फिर आपके पास चॉइस ही नहीं है, ये लंबा वाला काम करना ही पड़ेगा। डन, क्लोज, हाँ चलो। MM बी पार्ट, MM विदाउट टैक्स, लो भैया
टेबल तो बना लो, नीचे एक नोट डाल दो। टेबल के लिए जगह छोड़ के नोट डाल दो। टेबल में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लाइन और एक हेडर की 8 लाइन, 8 लाइन जगह छोड़ के नोट लिखो। इन एमएम थ्योरी इंटरेस्ट रेट, इन एमएम थ्योरी इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट, बट इन द गिवन डेटा, बट इन द गिवन डेटा with the change in level of debt, but in the given data with the change in level of debt interest rate is changing, but with the change in level of debt comma interest rate is changing comma, so we are modifying solution according to it. We are modifying solution according to it. हाँ भाई, अभी एमएम में क्या बोलता है? If MM is followed, what should be the KE? KE पूछ रहा है जी। KE का फॉर्मूला आता है क्या? MM without tax, KE is equals to KO plus KO minus I into D upon E. मैंने कल चेंज कर दिया, KD की जगह I करवा दिया था। मैंने कहा वो ठीक रहता, कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोनों जगह, है ना? पर यहां तो I चेंज हो रहा है। एक और भी फॉर्मूला था, और EBT डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म, नहीं सॉरी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब प्रॉब्लम है, हमने जब ये फॉर्मूले बनाए थे ना, ये भी मार्केट वैल्यू था, ये भी मार्केट वैल्यू था, और ये भी मार्केट वैल्यू था। हाँ या ना? अपने को तो मार्केट वैल्यू दी ही नहीं, अपने को तो बोला क्या करने का, फर्म मेंटेन एट बुक वैल्यू। तो जैसा बोला वैसा काम करेंगे, यानी क्वेश्चन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मार्केट वैल्यू पे काम शुरू कर देते हैं जी, सॉरी बुक वैल्यू पे काम शुरू कर देते हैं। बाकी करना तो मार्केट वैल्यू चाहिए था, पर जब क्वेश्चन ने ट्विस्ट कर रखा है अपने आप को तो हम भी कर देते हैं। और जी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 50 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेट 45 लाख, 40 लाख, 35 लाख एंड सो ऑन। अभी ईबीआईटी 5 लाख, इंटरेस्ट D into I nil 30,000, 60,000, ये कितना आया, 93,000। EBT, अजी KE, EBT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100, यानी कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इनटू 100 इज 10%। अच्छा ये वाला कॉलम बनाना ही नहीं चाहिए था, ये तो निकाल रहे हैं अपन, ये बना दिया तो फिर क्या निकाल रहे हैं। और नोट में एक और नोट लिख दो, सेकंड नोट, सिंस क्वेश्चन इज आस्किंग to find out KE, since question is asking to find out KE, in B part, since question is asking to find out KE in B part, comma, we assume given data of KE in question is irrelevant. We assume given data of KE in question is irrelevant. बात सही भी है, ठीक है? ओ भाई इधर फिर से, 470 डिवाइडेड बाय 45 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आया, 10.44। मैच हो रहा है क्या मैडम आंसर? चलो खुदा,
इसका 11 आ रहा है, 440 डिवाइडेड बाय 40 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 11%. अल्टरनेट और के इज इक्वल्स टू के ओ, ये तो है ही नहीं, इज इक्वल्स टू के ओ इन दिस केस विच इज इक्वल्स टू EBIT divided by value of firm into 100, that is equals to 5 lakh divided by 50 lakh into 100, that is 10%. एक बार ये निकाल लेते, फिर इसके बाद होता 10 plus 10 minus 6 into 5 lakh divided by 45 lakh, it is 10.44%. K equals to 10 plus 10 minus 6 into 10 lakh divided by 40 lakhs is equals to 11%. Alternate है ये. किसी को प्रॉब्लम है पूछें, अगर जगह नहीं है तो कॉलम नीचे बना लें, कंजस्टेड में खिचड़ी ना बनाएं, एग्जाम में समझ ही नहीं आएगा. और कैलकुलेशन जरूर लिखें, कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे रिवीजन करते हो खुद को ही पता नहीं चलेगा कि ये फिगर आया कहाँ से था. मैं नहीं लिखता हूँ क्या भाई कैलकुलेशन पूरी, तो लिखो ये फॉर्मूला, लिखो ये फॉर्मूले लिखो, नहीं तो खुद ही रिवीजन के वक्त मेरे को फ़ोन करते रह जाओगे कि सर ये करवाया था उस वक्त तो अच्छा अच्छा समझ में आया था, अब समझ में नहीं आ रहा है कॉपी में क्या लिखा हुआ है. इसी के साथ 25 डन, 26 27 प्योर होमवर्क है जी, होमवर्क वीडियो देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो, या PDF देख लीजिएगा. वी आर गोइंग फॉर 28. क्या हुआ? अल्टरनेटिव ओ, उसमें पहले में अटक जाता है स्टूडेंट, के ओ ही नहीं निकाल पाता है. दूसरे से तो फॉर्मूला लग जाएगा, पहला के ओ निकालना पड़ेगा ना, अनलीवर्ड का के ओ. उधर के ही दिया कहाँ है? ओ हाँ अब याद आया, के ही तो दिया नहीं है. वो हमेशा जितने क्वेश्चन किए, कल 30th किया उसमें के ही गिवन था अनलीवर्ड का. MM के सब क्वेश्चन में अनलीवर्ड का के ही गिवन होता है, इसमें तो वो भी नहीं था. फर्स्ट में दिक्कत आती, यहां अटक जाता है स्टूडेंट, उसके बाद तो हमारा फॉर्मूला याद आ जाता है उसको. हाँ हमेशा वो क्या देता है, अनलीवर्ड का कई देते हैं तो वो डायरेक्ट यहां चिपका देते हैं. अभी वो भी नहीं दिया तो वो तो निकालना तो पड़ेगा ना. हाँ जी डन. भाई इसी के साथ इस चैप्टर में अब एक ही चीज़ बाकी रही है मेरी तरफ से, आर्बिट्राज. आर्बिट्राज महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार आपके स्टडी मेट में उन्होंने 2-3 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो उम्मीद है आ सकता है. लो भाई हटा रहे हैं, लिखने वाले आप घर पे कंप्लीट कर लीजिएगा. हर्षिता जी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 28 और समझाओ क्या क्या दिया हुआ है. जो बच्चा बात करता है ना उसको ऐसे अटेंशन में कर देते हैं. नहीं कर रही थी, चलो पढ़ और बता. ओ भाई हर्षिता जी समझा रहे हैं हमारे को अब एकदम बढ़िया वाला, बोलो. अरे तो इस फुल स्टॉप आ गया, समझा तो सही लाइन में क्या लिखा है. हाँ अभी अनलीवर्ड है, धन्यवाद. ओके इट्स 100% 100% ही होता है इक्विटी, दैट इज अनलीवर्ड है. ओके हाँ एग्जिस्टिंग नेक्स्ट. ये क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी और
फर्म भी यही है, अनलीवर्ड है, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म सेम होता है। हाँ आगे, एक है ये डिविडेंड कहां से है, हमने तो आज तक क्वेश्चन में डिविडेंड पढ़ा ही नहीं था। हाँ एक एक कुछ बोल रही है, हाँ क्या बोल रही है, रिटेंशन जीरो होता है, ये डिविडेंड है, रिटेंशन है नहीं, तो ये क्या बन गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्रिफरेंस होता नहीं, तो यही क्या बन गया, ईएटी। अरे ऐसे एकदम जम बंद मारो रे, ईएटी, ईएटी में टैक्स होता नहीं, तो यही क्या बन गया, ईबीटी, ईबीटी में इंटरेस्ट होगा नहीं क्योंकि अनलिवर्ड है, तो यही क्या बन गया, अच्छा ये ईबीआईटी भी यही दिया हुआ, 120,000। ओके नेक्स्ट, समझ में आया ना भाई, पूरा का पूरा ईबीआईटी से लेके लास्ट तक 120,000, ये बीच में कोई आइटम सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। हाँ हाँ, इसका मतलब एक्सपेक्टेड टू बी पेड इनडेफिनेटली, मतलब सीरीज परपिचुअल चलेगी, परपिचुअल वाले मॉडल लगाने, तो हम तो वैसे भी वही लगाते हैं, ये तो ठीक है, हमारी वाली एजम्पशन हो गई, एजम्पशन लिख दी क्वेश्चन ने। आगे, ये क्या हो रहा है, हाँ जी क्या कर रहा है, ये 500,000 रुपए न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मतलब एसेट लेवल, एसेट लेवल बढ़ रहा है, और एसेट लेवल बढ़ेगा तो प्रॉफिट, ईबीआई सेल्स भी, वीसी बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा। ये तो हमारी प्राइम अजम्पशन को हिला दिया इसने, हमने तो अपनी प्राइम अजम्पशन में बोला था कि ईबीआईटी चेंज नहीं होता, अब हिला दिया तो हिला दिया, क्वेश्चन को करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, मैंने आज कहा ना सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं जहाँ मॉडिफिकेशन है। आगे बढ़ भाई, यानी ये क्या दिया हुआ है, पढ़ा है, बोलो क्या लिखा क्या है, द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले ऑफ ₹5,00,000 नाउ एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश रिसिप्ट ऑफ 1,05,000 पर एनम इनडेफिनेटली। क्या मतलब हुआ, सीफेड कैपिटल बजटिंग कर रही है, अभी अभी कैपिटल बजटिंग का थोड़ा सा वो नशा चल रहा है, कैपिटल बजटिंग का लंबा था ना चैप्टर, और कैश रिसिप्ट, कैश प्रॉफिट भी तो होता है, कैश प्रॉफिट भी तो क्या था, पीबीडीटी, डेप्रिसिएशन तो वैसा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो वही क्या बन गया है, ईबी, हाँ तो ये ईबीआईटी तो 120,000 था ना, तो ये क्या है, ये नए प्रोजेक्ट से आएगा, तो कंपनी अलग अलग है क्या, तो टोटल बोलना ही क्या आएगा, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट लगाने के बाद ईबीआईटी, भाई एसेट इंक्रीज कर रहे हो तो सेल्स बढ़ेगी तो ईबीआईटी बढ़ेगी, यानी ये हमारा प्रोजेक्ट का एडिशनल ईबीआईटी दिया है, पहले जो 120,000 था अब वो कितना हो जाएगा, 225,000। हाँ जी समझ में आया, गॉट इट, चलो आगे, हाँ जी क्या हो रहा है, 500,000 का प्रोजेक्ट है, पैसा लाना पड़ेगा, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और इस बार डिबेंचर से जो पैसा आ रहा है वो इक्विटी बायबैक नहीं हो रहा, उसे एसेट खरीद रहे हैं, यानी हमारी प्राइम एजम्पशन की धचियां बिखेर दी इसने, तो है ना, और ये इंटरेस्ट रेट कितने पे ला रहे हैं, 18% पे। चलो फिर क्या बोलता है, इग्नोर टैक्सेशन, चलो एक चीज तो अच्छी की टैक्स उड़ाया, चलो आगे क्या बोलता है, राइजेस टू 21.6%, तो पहले कितनी थी, कौन सा मॉडल लगा रहे हो केई के लिए, बहुत सारे पढ़े हैं, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड, सीएपीएम, गॉर्डन ग्रोथ, वॉल्टर, ये कौन सा वाला मॉडल लग रहा है भाई, D1 अपॉन P0 या E1 अपॉन P0, कोई भी लगाओ ना जी,
तो ये बेसिकली आपका डिविडेंड यील्ड मॉडल या अर्निंग यील्ड मॉडल से आप कई निकाल रहे हैं। ये मॉडल क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं है। क्यों ग्रोथ नहीं है? क्योंकि कोई रिटेंशन नहीं है। तो जब ग्रोथ नहीं होती है तो डिविडेंड यील्ड या अर्निंग यील्ड मॉडल लगता है। यानी एग्जिस्टिंग के 20% था, क्यों कितना था? 20%. क्योंकि अनलीवर्ड है। पर अब तो क्या आ रही है? डेट आ रही है, तो ये लीवर्ड फर्म हो गई। और लीवर्ड फर्म होते ही अगर कई राइज हो रही है, कौन सा वाला मॉडल है, कौन सी वाली थ्योरी चल रही है? कई इंक्रीज हो रही है डेट आते ही, है जी। ट्रेडिशनल में तो डेट की केडी भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, यहां हम ट्रेडिशनल तो बोल नहीं सकते। बेसिकली ट्रेडिशनल में तो डेट के अलग अलग लेवल होते तो पता चलती। ये बेसिकली हो गई आपकी एनओ आई, के इंक्रीज हो रही है। अब आगे क्या बोलता है? आपको बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दिया तो था 6 लाख रुपए, वो बिफोर प्रोजेक्ट था। आपको क्या बोला है? आफ्टर प्रोजेक्ट एक तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालो और शेयर होल्डर को कितना फायदा हुआ। तो शेयर होल्डर को कितना फायदा हुआ, जनरली स्टूडेंट क्या करता है वो सुनिएगा, कहां गलती होती है। शेयर होल्डर को वो फायदा ऐसे निकालता है, नया ईबीआईटी कितना है? नया बोला है मैंने ईबीआईटी, इनकम स्टेटमेंट इंक्रीमेंटल बनता है क्या? 2,25,000। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5 लाख पे 18%, 90,000। तो कितना गया जी इंटरेस्ट? ईबीटी कितना हुआ? 1,35,000, 1,35,000। ये पूरा का पूरा क्या होगा? डिविडेंड दे देंगे। पहले कितना डिविडेंड मिलता था? 120। अब कितना मिल रहा है? 135। गेन कितना हुआ? 15,000। और स्टूडेंट को मिलता है 0। स्टूडेंट गेन वर्ड से इंटरप्रिटेशन ले लेता है कि कितना एक्स्ट्रा डिविडेंड आया। एक्स्ट्रा डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, वो यहां इंक्रीज इन वैल्यूएशन की बात कर रहा है। अभी वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर्स का, ओवरऑल वैल्यू 6 लाख। वो ये जानना चाहता है कि ये जो नया प्रोजेक्ट लगाया इसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी में कोई एप्रिसिएशन है या नहीं है। वो उस गेन को बोल रहा है, वो एक्स्ट्रा डिविडेंड को गेन नहीं बोल रहा है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन की बात है जी। दो इंटरप्रिटेशन है गेन का। इंटरप्रिटेशन एक होता है एक्स्ट्रा हर साल डिविडेंड कितना मिलेगा, और दूसरा इंटरप्रिटेशन है ओवरऑल इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। तो यहां इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ेगी वो इंटरप्रिटेशन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इससे पहले, जस्ट पहले उसने क्या मांगा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। लॉजिक समझ में आया सभी को? आ गया, चलो बढ़ाओ। तो क्वेश्चन कैसे करें? कौन सा थ्योरम लगाने का है? एनओआई। एनओआई पर एनओआई में ट्विस्ट है, ईबीआईटी चेंज हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ फर्म एनओआई का बोलता है, एनओआई बोलता है वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यहां वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी एनओआई को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इतना मॉडिफिकेशन। तो प्रैक्टिकल लाइफ में थ्योरम की एजम्पशन चलेगी क्या लाइफ में? क्या हमारी जो एजम्पशन हमने रखी है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली एप्लीकेबल हो भी सकती है क्या? यानी एक्चुअली तो मार्क दुनिया में प्रैक्टिकल एजम्पशन को उड़ा के एक नए तरीके से ही काम करना पड़ेगा। हाँ, बेस वही होगा थ्योरी। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एग्जिस्टिंग। सिचुएशन अनलीवर्ड, टैक्स निल, वैल्यू ऑफ फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू रुपीज 6 लाख, डिविडेंड रुपीज 1,20,000, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ईबीआईटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ईबीटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ईएटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो के इज इक्वल्स टू डी अपॉन वीई इन 200। कौन सा मॉडल लगाइए? डिविडेंड यील्ड मॉडल।
आप अर्निंग यील्ड भी लगा सकते थे, नो ग्रोथ सिचुएशन। आरआर निल है, इज इक्वल्स टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 20%। देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 20%। खत्म, अभी तो एग्जिस्टिंग हुआ, अभी न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ₹5,00,000, 18% डेट ₹5,00,000, इंक्रीमेंटल EBIT कैश रिसिप्ट 1,05,000। एंड फर्स्ट पार्ट बोलता है KE is equals to 21.60%। आपको दो चीजें निकालनी है, वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्विटी, क्यों, वैल्यू ऑफ डेट तो दिया हुआ है 5,00,000, और दूसरा आपको बोला है गेन बाय शेयर होल्डर्स। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मॉडिफाइड NOI अप्रोच, नोट दिस इज क्वेश्चन ऑफ मॉडिफाइड NOI अप्रोच, कमा एज KE राइजेस विथ इंक्रीज इन डेट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मॉडिफाइड NOI अप्रोच, कमा एज KE राइजेस विथ इंक्रीज इन डेट, बट EBIT इज नॉट कॉन्स्टेंट, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ इन मॉडिफाइड NOI अप्रोच, कॉमा एज KE राइजेस विथ इंक्रीज इन डेट। इंक्रीज के लिए अपसाइड का एरो लगा दिया करो, डिक्रीज के लिए डाउन साइड, थोड़ा नोट फटाफट लिखा करो। सो KE राइजेस विथ इंक्रीज इन डेट बट EBIT इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, बढ़ा दूं आगे। चलो क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का है। ओ भाई कैसे निकालें वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए, तो क्या होता है अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई KE, वो तो दिया हुआ ही था ना, बस आपको इनकम स्टेटमेंट ही बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। EBIT इज इक्वल्स टू 1,20,000, ये इंटरप्रिटेशन था कि ये डिविडेंड ही क्या है आपका EBIT, नहीं तो एग्जिस्टिंग EBIT ढूंढता रहता है स्टूडेंट। क्वेश्चन ने बदमाशी की, EBIT वर्ड नहीं लिखा, क्वेश्चन ने क्या लिखा, डिविडेंड वर्ड लिखा, ताकि आप क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर हुआ ना भाई, इनकम स्टेटमेंट में ये सारे टर्म इक्वल है, बिकॉज बीच में कोई सब्ट्रैक्शन है ही नहीं। प्लस 1,05,000 इज इक्वल्स टू 2,25,000 लेस इंटरेस्ट 90,000, कैसा आया 18% इंटू 5,00,000, सो इट इज इक्वल्स टू EBIT इज इक्वल्स टू 1,35,000, डन। अब हमारे को वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय KE इज इक्वल्स टू 1,35,000 डिवाइडेड बाय 0.216 इज इक्वल्स टू ₹6,25,000 एंड गेन टू शेयर होल्डर्स इन वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू, आप ऐसा नहीं बोल सकते वैल्यू ऑफ फर्म कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि डेट लेवल से एसेट लेवल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म भी कॉन्स्टेंट नहीं है। इट इज इक्वल्स टू ₹6,25,000, जो अब हो गया, पहले 6,00,000 था ये लीवर्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये अनलीवर्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी, इट इज इक्वल्स टू ₹25,000। EBIT डिवाइडेड बाय KO, KO है का
वो पहले था जब एसेट लेवल कांस्टेंट थी, एसेट लेवल कांस्टेंट नहीं है अब वो केओ कांस्टेंट, अगला पूछ रहा है वो, सेकंड पार्ट है वो, प्रूव दैट WACC इज नॉट अफेक्टेड बाय गियरिंग। हाँ गियरिंग क्या होता है, गियरिंग कहीं वर्ड पढ़ा है क्या भाई, गियरिंग कहीं पढ़ा है क्या वर्ड, रिवीजन करो रे भाई, हैं? रेशियो, गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो था फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बियरिंग फंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो डिविडेंड तो है नहीं, फिक्स प्रिफरेंस है नहीं, तो फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड यानी कि डिबेंचर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ओ भैया इसका मतलब वो गियरिंग का मतलब क्या बोल रहा है कि ओनर्स फंड के ऊपर दूसरे लोगों का कितना पैसा और इंक्लूडेड है कैपिटल एम्प्लॉयड में, और दूसरे लोग और कौन होते हैं, डेट। गियरिंग का मतलब डेट, गियरिंग लिवर्ड वो सब एक ही वर्ड है। तो वो बोल रहा है प्रूव करो कि WACC चेंज नहीं हो रही, तो एक तो WACC निकाली हुई है, अब क्या कर लेते हैं, न्यू WACC निकाल लेते हैं। न्यू WACC निकालने का मतलब क्या चाहिए जी, न्यू सेकंड पार्ट, KO इज इक्वल्स टू वेट इक्विटी KE प्लस वेट डेट KD। हाँ जी, वेट इक्विटी कैसे निकालें, वेट इक्विटी का फॉर्मूला, वेट इक्विटी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इक्विटी का वेट, इक्विटी की वैल्यू को फर्म की वैल्यू से डिवाइड करो। इक्विटी की वैल्यू कितनी, 6,25,625, उसको डिवाइड करूं किससे, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म तो निकाली नहीं मैंने, आसान था, वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये आपका वैल्यू ऑफ डेट है, तो क्या मैं देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 11,25,000, सिंस वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 6,25,000 प्लस 5,00,000 इज इक्वल्स टू 11,25,000। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय के कितना, चेंज हो गया क्या, क्वेश्चन ने खुद नहीं बोला है चेंज हो गया, 21.60 प्लस वेट डेट, डेट कितना 5,00,000, 5,00,000 डिवाइडेड बाय 11,25,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट से 18 इज इक्वल्स टू 20%, खत्म। ईबीआईटी अपॉन, हाँ चला देते, चलता, डन, 28 गॉन, 34 बीच के सभी क्वेश्चन होमवर्क है, 30th क्लास वर्क था जी, वी आर गोइंग फॉर 34। हाँ जी हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 34 ले रहे हैं, नहीं हाँ 34 RTP May 18 पहला अटेम्प्ट था CA इंटर का, May 18, उससे पहले IPC से चलता था। ओ भाई क्वेश्चन में कोई तकलीफ तो नहीं थी, वैसे तो पूरा क्वेश्चन ही तकलीफ था। हाँ क्या बोल रहे है? इतनी अप्रोचेस पढ़ ली फिर भी, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है, हम अप्रोच बनाते वक्त चीजें लिखते हैं कीपिंग ऑल एल्स इक्वल, स्टार्टिंग में ये वर्ड इसीलिए लिखे जाते हैं क्योंकि सारी चीजें अगर वेरिएबल कर दोगे वो लाइफ होती है, और लाइफ को आप कोई भी फॉर्मूले में डिफाइन नहीं कर सकते। सही बोला, आजकल थोड़ी ऊपर वाली बातें हो रही है। चलो अभी 34 कौन समझा रहा है, जहांगीर साहब,
क्या हुआ, एक तो जोधपुर वाले मनवा रहे, खूब कराते हैं, पढ़ो और समझाओ। ना ना मैडम, मैं हिंदुस्तान का। चलो चलो शुरू से। अरे पढ़ो, पढ़ने का ही है। तो हमारी क्लास में एक शीशपाल विश्नोई करके हुआ करता था, अभी तो वो कोई पुलिस वुलिस में हो गया। एक्चुअली क्या, मैं हिंदी मीडियम से जब इंग्लिश मीडियम ट्रांसफर हुआ था ना, तो मेरी इंग्लिश भी हिली हुई थी और शीशपाल भी मेरे जैसा ही था। तो पर मतलब इंग्लिश हिली हुई समझ में आता है ना, वो जब स्कूल में टीचर खड़ा करके वो चैप्टर पढ़वाती है और अपने को कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है और अपन उसको उल्टा सीधा पढ़ते हैं, फिर टीचर झाड़ती और बच्चे हंसते हैं दूसरे दोस्त। और मेरे और शीशपाल की हालत एक जैसी थी। पर फिर भी टीचर हमेशा शीशपाल को उठाती थी और सब खुश रहते थे। कैसे? कंपनी पी एन क्यू आर आइडेंटिकली नॉन रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट फॉर दी दर 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 फॉर डेट इक्विटी कंपनी पी हैज रेशियो 10% ऑफ डिवेंचर फॉर रुपीज 18 लाख। वाइल सब खुश, क्यों? टीचर खुश, चैप्टर खत्म हुआ। शीशपाल खुश, किसी ने गलती पकड़ी नहीं। और बच्चे घुश, बला टली। पढ़ वो भी बोल रही, पढ़ने का ही तो बोला है, पढ़ने पढ़ लेते हैं, पढ़ो। हाँ शीशपाल जैसे पढ़ो। हाँ क्या मतलब हुआ, किसका? अच्छा ठीक है। पी लिवर्ड डेट है, क्यू अनलिवर्ड 100% इक्विटी। चलो कितना? कर लो, थोड़ा दिमाग भी अपने इस्तेमाल कर लेते हैं, कैलकुलेटर को तकलीफ दे रहे हैं। और ये 30 लाख क्या है, वो क्या होती है? वैल्यू ऑफ दोनों की, वैल्यू ऑफ फॉर्म, इसका मतलब अप्रोच कोई बोला है क्या इसने अभी? एनओआई बोला है क्या अभी तक? एनओआई में ध्यान रखना, डेट के साथ कई इंक्रीज होनी चाहिए तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कांस्टेंट होगी, और नहीं तो इसको बुक वैल्यू मानना पड़ेगा। नहीं तो इसको क्या मानना पड़ेगा? बुक वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ के हूं एकदम। चलो भाई आगे पढ़े। Assuming tax 50%, अरे ये तो कौन सी वाली थ्योरी जा रही है? MM with tax, tax तो एक ही में था, MM with tax, हाँ आगे। And capitalization rate is 15% for and all equity company, इसका मतलब ये unlevered का KE है और यही KO भी है, KU and KOU भी यही है, दोनों सेम है, पर टैक्स वाला केस है। तो टैक्स वाले केस में क्यों कांस्टेंट? टैक्स वाले केस में क्यों कांस्टेंट था क्या कि लाल लाइन नीचे चली गई थी कल सेकंड ग्राफ में नीचे? क्यों? क्योंकि डेट पे टैक्स शील्ड बढ़ती है तो कॉस्ट कम होती है। ये तो एमएम विथ टैक्स वाला सिचुएशन कुछ हो रहा है, जहां ना के ई कांस्टेंट, ना के ओ कांस्टेंट, ना वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट। पर उसमें मैंने 4 स्टेप दिए थे, फटाफट क्वेश्चन हो जाता था, है ना? चलो फिर क्या बोलता है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी पी एन क्यू यूजिंग एनआई में टैक्स था क्या और एनओआई में भी टैक्स था क्या? हां एनओआई और एमएम एक ही है, एनओआई और एमएम में कोई डिफरेंस नहीं है जी, वो कभी भी कोई भी नाम यूज कर लेते हैं। वो अगर विथ टैक्स है तो एमएम विथ टैक्स लगा देंगे और एमएम विदाउट टैक्स है तो एमएम विदाउट टैक्स और एनओआई सेम ही रहती है। सिर्फ एमएम ने एक एक्स्ट्रा बात, दो एक्स्ट्रा बात की थी, एक तो आर्बिट्रेज की बातें करी थी और दूसरा उसने जस्टिफाई किया था एनओआई का, और दूसरा उसने टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो अब जब वो सेकेंड पार्ट है ना जिसमें उसने एनओआई बोला है, वहां तो हम एमएम विथ टैक्स से काम कर लेंगे, पर ये प्रॉब्लम कहां है? पहली पार्ट में, पहली पार्ट में एनआई में तो टैक्स है ही नहीं,
और यहाँ तो टैक्स है, तो क्या टैक्स को इग्नोर कर दें? ना ना, बेसिक डेटा है, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम भी अपने आंसर को क्या करेंगे, थोड़ा सा नोट लिखो। क्वेश्चन हैज गिवन टैक्स रेट ऑफ 50%। आरटीपी का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हैज गिवन टैक्स रेट ऑफ 50% एंड इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू यूज एनआई अप्रोच। क्वेश्चन हैज गिवन टैक्स रेट 50% एंड इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू यूज एनआई अप्रोच। वी हैव टू यूज एनआई अप्रोच कमा, सो अकॉर्डिंगली वी विल बी मॉडिफाइंग, फॉर्मूलाज फॉर एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच का फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होता है? एनआई से। एनआई यानी कि किसकी इनकम? इक्विटी की। तो वैल्यूएशन भी किसकी होती थी? वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या था? एनआई। एनआई का मतलब क्या था? ईबीटी अपॉन केई, सही है। और केई कॉन्स्टेंट था वहां, केई कॉन्स्टेंट था कि नहीं था? ओ भाई, एनआई की अप्रोच में केई कॉन्स्टेंट था। पर अब क्या इक्विटी शेयर होल्डर को, क्या इक्विटी शेयर होल्डर को ईबीटी कैश इनफ्लो मिलेगा क्या? क्यों? उसमें से क्या चला जाएगा? टैक्स। तो अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईएटी अपॉन केई। चेंज हो गया, समझ में आया क्वेश्चन? गॉट इट। सेकेंड पार्ट, इसमें नोट टू, इन सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क्ड टू यूज एनवाई। इन सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क्ड टू यूज एनवाई अप्रोच। कॉमा, वी विल बी यूजिंग एमएम विथ टैक्स। We will be using MM with tax approach for this. ठीक है भाई, चला लें, चलो दौड़ो। कंपनी पी क्यू आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट फॉर डेट इक्विटी। क्वेश्चन 34, पी क्यू सिचुएशन, पी इज हैविंग 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर डेट है कितना? 18 लाख का, वाइल क्यू इज अनलीवर्ड। तो ये हो गया डेट, ये हो गई लीवर्ड और ये हो गई अनलीवर्ड। चलो आगे, बोथ कंपनीज अर्न 20% इंटरेस्ट, अर्न 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन टोटल एसेट्स। तो दोनों की टोटल एसेट्स, ओ भैया ये क्या है इसका मतलब? अभी देखो, अभी भी वैल्यू ऑफ फर्म बोल रहे हैं, क्या ये वैल्यू ऑफ फर्म है? अब क्या वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट होती है एनआई के केस में? क्या वैल्यू ऑफ फर्म एमएम विद टैक्स में कांस्टेंट होती है क्या? चेक करो ना, चेक करो। याद, मैंने कहा ना, थ्योरीज याद होगी तो क्वेश्चन होंगे, थ्योरीज याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे। पहले तो पढ़ो एनआई। एनआई में क्या वैल्यू ऑफ फर्म सीधी लाइन थी कि ऊपर चल रही थी? जैसे जैसे डेट बढ़ रहा था ऊपर जा रही थी भाई, तो वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट कैसे हो गई? और नंबर दो, एमएम विद टैक्स, वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड इज इक्वल टू वी यू इन प्लस डी इन टू टी। तो जैसे जैसे डेट बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है। तो अगेन वैल्यू ऑफ फर्म कॉन्स्टेंट कैसे हो सकती है? दो, एक डेट वाला, एक अनलीवर्ड है। यानी ये क्या दी हुई आपको? ये बुक वैल्यू दे रखी है। एक तो ये क्वेश्चन में तकलीफ ये होती है कि कब इसको बुक वैल्यू मानना और कब इसको वैल्यू ऑफ फर्म मानना है, ये स्टूडेंट कन्फ्यूज होता रहता है बेचारा। पर है, पर ये जवाब तो है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं है। अगर थ्योरीज याद होगी तो आप आइडेंटिफाई करना, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा, है ना? तो ये बेसिकली हो गया बुक वैल्यू। पर उसने बोला है ईबीआईटी इज इक्वल्स टू कितना बोला? 20% इंटू 30 लैक्स दोनों के केस में इज इक्वल्स टू 6 लैक्स एंड 6 लैक्स। आपको दिया है टैक्स इज इक्वल्स टू 50%। कौन है रे भाई? चलो आगे जी, 6 लाख। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोलता है
कैपिटलाइजेशन रेट फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी इज 15%. किसका दिया? केई. केई किसका दिया? कितना कितना परसेंट बोला? 15%. 20 क्यों बोल रहा है? कंफ्यूज कर रहा है. हाँ यार, मैंने पढ़ा तो उधर से आया तब तक तो 15 था, इधर पहुंचा या 20 कैसे हो गया? हाँ अभी पूछा क्या है. पहला, अज्यूमिंग दैट टैक्स 15% के ई फॉर ऑल इक्विटी कंपनी, कंप्यूट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म. आपने तो ये मान लिया था, आंसर दे दिए होते 30 लाख 30 लाख, खत्म क्वेश्चन, आंसर हो गया. यानी ये वैल्यू ऑफ फर्म तो नहीं था. हाँ चलो, नंबर वन कैसे करें, कैसे करें, शुरू कहाँ से करें? पहले तो इनके इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं, काम आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो भी ठीक, है ना. पहले इनकम स्टेटमेंट तो बना देते हैं, काम आएगा तो ठीक, नहीं आएगा, एक वर्किंग नोट करके बना देते हैं इनकम स्टेटमेंट. पी क्यू ईबीआईटी 6 लाख्स, 6 लाख्स लेस इंटरेस्ट. पहले केस में लगेगा 1,80,000, इधर नील. ईबीटी, ईबीटी वॉइस आ रही है ना माइक में? हाँ. 4,20,000, 6 लाख्स लेस टैक्स एट द रेट 50%, 210, 3 लाख. ईएटी 210 एंड 3 लाख. चलो भाई, एक जने मेरे को मैसेज किया, सर क्वेश्चन पेपर तो भेजो, तुम लोगों ने मेरा टेस्ट का इधर उधर कर दिया है. वो भी इसका मतलब किसी ने प्रिपेयर कर लिया था. हाँ भेज दो. लो जी, अब क्या करें? पहला एनआई अप्रोच. हाँ, एनआई में क्या करते हैं? पहले स्टेप वन, वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है. वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, वैसे तो फॉर्मूला होता है ईबीटी अपॉन केई. एक तो इसका केई मिला हुआ है, इसका निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? अनलिवर्ड का थ्री लैख अपॉन 0.15, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म, डेट है नहीं, कितना आया? 20 लाख. फर्स्ट ये हो गया. इधर मैं पी का पूछ रहा हूँ, क्यू तो मुझे ही दिख गया था. वैल्यू ऑफ इक्विटी एक्स, तो फिर वैल्यू ऑफ के वो कांस्टेंट होता है एनआई में. हाँ आइडेंटिकल है, इसलिए ईबीआईटी कांस्टेंट है. के वो कांस्टेंट नहीं होगा, एनआई अप्रोच है. वो तो मैडम एमएम विथ टैक्स होता है. सेकंड पार्ट ये इसमें कर लेगी तो सेकंड में क्या करेगी? वो इसमें कर लेगी, वो तो सेकंड पार्ट हुआ. इसमें क्या करना है? इरिस्पेक्टिव ऑफ
इरिस्पेक्टिव ऑफ, वो बिजनेस रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है यार, इसलिए ईबीआईटी कांस्टेंट किया उसने। हाँ कैसे करें ओ भाई, मेरे को एनआई में पी लिमिटेड की वैल्यू चाहिए। एनओआई तो आसान है, एनओआई तो दिख गया, वो तो मेरे को भी समझ में आया, कल वाले चार स्टेप से हो जाएगा। और वो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डी इनटू टी एमएम विद टैक्स सेकंड पार्ट में करना है, उसमें करेंगे तो इधर क्या करेंगे वो पूछ रहा हूं मैं। पी की वैल्यू निकालेंगे वो, मैंने कहा ना क्वेश्चन ट्विस्टेड है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। एनआई में टैक्स वाला तो अपने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे बोलो भाई, बोलो भाई, बोल भाई। नहीं, अरे वाह, वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है, 30 लाख को वैल्यू ऑफ फर्म मान लेते, क्वेश्चन खत्म। कितना प्यारे बच्चे हैं हमारे हैं, यही तो सोचना है। स्टूडेंट यहाँ आके अटकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, समय बर्बाद कर देता है। आपके पास समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यू बड़ा आसान है, क्यू लिमिट पहले तो ये तो है, फर्स्ट पार्ट पी लिमिटेड, सेकेंड पार्ट क्यू लिमिटेड, तो बड़ा आसान है। उसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ई ए टी डिवाइड बाई के ई विच इज 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.15 इज इक्वल्स टू कितना है 20 लाख, और वैल्यू ऑफ डेट है नहीं, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 20 लाख प्लस 0 इज इक्वल्स टू ₹20 लाख। मेरे को पी लिमिटेड की तकलीफ है, और जो आप बार बार एनओआई को यूज कर रहे हो वो है मेरा पार्ट टू, एनओआई अप्रोच, और इट इज नथिंग बट एज एमएम विथ टैक्स है। और एमएम विथ टैक्स में पहले लीवर्ड की वैल्यू नहीं निकलती, पहले अनलीवर्ड की वैल्यू निकलती है, यानी कि यहां पर होगी फर्स्ट क्यू लिमिटेड की वैल्यू, अनलीवर्ड की वैल्यू, वैल्यू ऑफ मन बोला, रुक जा पहले अभी मेरे को पूरा करने दे। हाँ भाई अनलीवर्ड की वैल्यू कैसे होती है यहां पर? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एमएम विथ टैक्स स्टेप वन इट इज ईबीआईटी विथ टैक्स है ये। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इज इक्वल्स टू ईबीआईटी 1 - t अपॉन, वो और कुछ नहीं होता, 3 लाख ही है, इंटरेस्ट है नहीं उसमें से, टैक्स गया तो ये 3 लाख है, वो बेसिकली ईएटी ही है, डिवाइडेड बाई KO unlevered, और KO unlevered is equals to KE unlevered is equals to 15% ही होता है। रुक जा रुक जा, इसमें प्रॉब्लम है तो इसका अभी रुक जा, परेशान करता बच्चा। हाँ तो इट इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.15 इज इक्वल्स टू 20 लाख। ये तो हो गया वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड क्यू लिमिटेड। नंबर टू, पी लिमिटेड लीवर्ड, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डी इंटू टी, सो वैल्यू ऑफ एल बेसिकली पी लिमिटेड इज इक्वल्स टू 20 लाख प्लस डेट कितना है 18 लाख, उसका 50% इज इक्वल्स टू 29 लाख। खत्म। तो ये तो आसान हो गया, कई के वो पूछा नहीं तो छोड़ देते हैं, अभी प्रॉब्लम है। हाँ अब बोल। हाँ जुगाड़ एनआई अप्रोच में के वो कैसे सेम रहता है रे? एनआई वर्ड यूज कर रहा है वो, के वो कैसे सेम रहेगा? एनआई में के वो डाउन जाता है। हाँ और बोलो, हाँ जुगाड़ बोलो। 21 लाख कहां से आया? 2,10,000। हाँ डिवाइड बाई
ये आंसर से उल्टा चली, रिवर्स वर्किंग। एग्जाम में तक रिवर्स वर्किंग मिलेगा? इन एनआई अप्रोच के इज कॉन्स्टेंट, देयरफोर के पी इज इक्वल्स टू के यू क्यू इज इक्वल्स टू 15%। एनआई मॉडिफाई हो रही है, लेकिन एनआई मॉडिफाई का मतलब एनआई के एजम्पशन तो चलेंगे, के ई कॉन्स्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। मैडम एनआई एनआई अप्रोच में देखो, अपन ने बेसिक एजम्पशन लिखा है, क्या लिखा है, के डी एंड के डी आर कॉन्स्टेंट। तो अगर इसका के ई 15 है, तो इसका भी के ई एनआई के लिए क्या होगा, 15 ही होगा। यही तो एनआई का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हाँ जी, सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ई ए टी डिवाइडेड बाई के ई। हाँ जी मैडम, आपका आंसर सही था, रुपीज 14 लाख। सो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 14 लाख प्लस 18 लाख इज इक्वल्स टू 32 लाख। भैया तू कब से क्यों कॉन्स्टेंट कर रहा था, करना क्या था, के ही कॉन्स्टेंट। इसी के साथ क्वेश्चन 34 डन एंड गॉन। थोड़ा आज लंबा करते हैं भाई, दो क्वेश्चन है, उल्टे सीधे क्वेश्चन है, कर लेते हैं, फिर होमवर्क में तो होंगे नहीं आपके, थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है मैडम, कोई समझाने में समय लग रहा है, बाकी तो क्वेश्चन में दम नहीं है। आज थोड़ा सा खींच लेते हैं ना, आपके बैचेस हुए भी नहीं है और दो ही हैं, फिर आर्बिट्राज ही बचेगा, नहीं तो फिर ये दो रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, अब मेरी तरफ से इसके बाद बचेंगे सिर्फ आपके 35 से 39, तो लेट्स गो फॉर 40 एंड 41। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पढ़ के आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है, बहुत ज्यादा ही घूमे हुए हैं। क्विक करो भाई, लेट्स गो फॉर 40, जिनका हो गया 40 पढ़ना शुरू करें। चलो 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 चलो, अभी वीडियो मिल जाएगा ना आपको, क्लास का भी तो मिलता है अब, इतना क्यों मेरे को गिल्टी फील करवा रहे हो कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया है, है? हाँ चलो क्वेश्चन 41, छोटा सा क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ, स्टडी मेट का क्वेश्चन है, आरटीपी में भी आया है, बहुत 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 महत्वपूर्ण, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर वाला, स्टडी मेट में भी है,
आरटीपी नवंबर 21 में आया हुआ है भाई, तो नहीं नहीं थोड़ा सा हिला हुआ है और कुछ नहीं, फिर से गलती गलती कुछ नहीं, गलती अभी काम पड़ी, एक भी काम वो सब ट्विस्ट हुए हैं। हाँ कौन पढ़ रहा है? कनिका पढ़ो 41। हाँ भाई ध्यान देना भाई। हाँ जी क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 41 एग्जिस्टिंग में आपको दिया है ईबीआईटी कितना 34,50,000 और फिर बोला है एम्प्लॉयड डेट विच गिव टोटल इंटरेस्ट चार्ज, तो ये 7.5 लाख डेट है कि इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, ये गया जी इंटरेस्ट कितना 7,50,000, तो ये बचा आपका ईबीटी कितना हो गया, ऐड मत करना 27 लाख। चलो आगे क्या क्या दिया हुआ है भाई? एक तो के ई दिया हुआ है 16% और एक दिया हुआ है के डी इज इक्वल्स टू 8%। अभी टैक्स है कि नहीं है देखना पड़ेगा। आगे क्या हो रहा है? एसेट लेवल यानी ये बेसिक एजम्पशन ब्रीच हो गई। एसेट लेवल बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो ईबीआईटी इंक्रीज हो रहा है न्यू प्लस कितना बढ़ रहा है? पर इसने तो वर्ड यूज किया है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ईबीआईटी एडिशनल प्रॉफिट। कैपिटल क्वेश्चन बोलेगा एग्जाम में कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है? नहीं, लेकिन लैंग्वेज यही बोलती है कि ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट है, अब वो पैसा कहां से आया वो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया जी 14,25,000 का एडिशन इंक्रीमेंटल, तो ये आ जाएगा न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन। अभी लिखना बंद करिएगा जी, कितना हो गया? अभी पैसा कहां से आया वो देखना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट, और टोटल न्यू फंड्स रिक्वायर्ड इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रुपीज 75 लाख। चलो आगे लो जी, यानी ये जो 75 लाख है ये आ कहां से रहा है? टू फाइनेंस दिस प्रपोजल वी विल इशू एडिशनल डेट कितने का? पूरे का, पूरे का, एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी न्यू इक्विटी शेयर इन द मार्केट। यानी पूरा का पूरा पैसा कहां से आ रहा है? डेट से। यानी ये हो गया हमारा इंक्रीमेंटल 8% डेट। एक चीज ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग डेट की भी कॉस्ट 8 थी, अभी टैक्स है नहीं है उसका बात नहीं किया उसने, इंटू 75 लाख। इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या? डेट लाओगे तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ना, कितना आएगा? 8% इंटू 75 लाख इज इक्वल्स टू 6 लाख्स। 6 लाख्स बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू 13,50,000। तो न्यू ईबीटी कितना हो जाएगा? 35,20,000। ठीक है, चलो फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं एज्यूमिंग नो टैक्स कल्चर, यही आपकी क्या है? एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट परसेंट, नई डेट भी 8% पे, पुरानी भी 8 पे है, अलग भी हो सकती थी, तो हम इसको बोलते हैं डेट 1 और इसको बोल देते हैं डेट 2, पर अभी एक ही है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट WACC बिफोर न्यू प्रपोजल एंड आफ्टर न्यू प्रपोजल। सिर्फ आपको WACC निकालना है। कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? वेट कहाँ है? वेट ऑफ इक्विटी वगैरह वो सब कहाँ है? यहाँ तक तो बनाओ फटाफट, फिर लिखते हैं। डेटा तो आ गया, बस अपने को अब WACC निकालना है। ये वैसे कोई अप्रोच का क्वेश्चन नहीं था, ये COC का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, वैसे भी मान सकते हैं, पर ये थोड़ा सा वो कैपिटल स्ट्रक्चर का थीम आ रहा है ना, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और वो सब, इसलिए मैंने इधर डाल दिया। वैसे ये आपके मॉड्यूल में COC के चैप्टर में ही है, 4.44 पेज नंबर 6, ये आपके COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही होगा। इंपॉर्टेंट है भाई, नया क्वेश्चन है।
ये ठीक है, टीचर को एक काम पे लगाते, बाहर देखो तो थोड़ा बारिश वारिश आ रही है, तो समोसा वमोसा खाने का मन हो रहा है हमारा। अब आप बुला ही दिया तो खिला भी दो। हाँ, फिर थोड़ी देर में ये भी बोलेगी अगर आ ही रही है तो। हाँ भाई, सबसे पहले WACC बिफोर प्रपोजल, बिफोर न्यू इन्वेस्टमेंट। हाँ, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, के ई दिया हुआ है, केडी दिया हुआ है, डेट कहाँ है, कहाँ है? अच्छा, इंटरेस्ट से डेट निकल जाता है क्या? इंटरेस्ट की रेट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो डेट भी निकाल सकते हैं। सो डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। डेट को रेट से मल्टीप्लाई कर देते तो अमाउंट आता था, तो अभी डिवाइड कर देते हैं। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 8% इज इक्वल्स टू 93 लाख। ये एग्जिस्टिंग डेट है, नया डेट 75 लाख का और आया है, उसकी रेट भी बाय चांस 8 है, अलग भी हो सकती थी। अभी इक्विटी कैसे निकालें? कैसे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ डेट है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है, इक्विटी की वैल्यू VE कैसे निकालते हैं? उनको क्या कैश इनफ्लो मिल रहा है हर साल? उनको कैश इनफ्लो मिल रहा है EBT, टैक्स तो है नहीं, नील, तो EBT उनका इनफ्लो हो गया, उनकी KEI दे रखी है, उनका इनफ्लो दे रखा है, क्या वैल्यूएशन होता है हमारे से? वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या बनता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EBT डिवाइडेड बाय KEI, दैट इज इक्वल्स टू 27 लाख डिवाइडेड बाय 16% इज इक्वल्स टू 1,65,000। लो जी, आपके पास डेट है, इक्विटी है, KOKD, कैलकुलेशन ऑफ WACC, सोर्स इक्विटी, डेट, अमाउंट, टोटल, वेट, कॉस्ट 16, 8, वेट इनटू के। खत्म। क्या कह रहे हो? डायरेक्ट बेस डिवाइड बाय, पर टैक्स होता तो फिर वो एम। हाँ, कोशिश करते हैं टेबल से करें, वो शायद नंबर दे टेबल वेबल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है ना, तो उसको ये टेबल प्यारी है। आफ्टर वाला करिए भाई फटाफट। अभी आफ्टर वाले में फिर से क्या करना पड़ेगा? आफ्टर वाले में कुछ चेंज होगा क्या? क्या किसका अमाउंट चेंज होगा? किसका डेट एक वन, डेट टू कर देंगे, और इक्विटी की भी वैल्यू चेंज होगी क्या? क्या इक्विटी की भी वैल्यू चेंज होगी क्या, हाँ या ना? ईबीटी चेंज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी चेंज होगा, पर इसका मतलब आप यहां पर एक एजम्पशन कर रहे हो, आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट, अज्यूमिंग, क्या अज्यूमिंग? KEI रिमेन, अज्यूम बिना उसके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालोगे कहां? सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू न्यू EBT 35,25,000 डिवाइडेड बाई 0.16, कितना आया भाई? करो भाई, अच्छा इसमें नहीं, कुछ तो और गड़बड़ है, अपन ने कुछ गड़बड़ किया।
रुको रुको, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अज्यूमिंग क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भाई? वन परसेंट वो 09 कैसे आ रहा है फिर? वो मैम वेट कितने डेसिमल लिए? दो लिए, तीन लिए? हाँ तीन लो, तीन डेसिमल। हाँ गया गया। हाँ तो आफ्टर वाला कैसे करेंगे? दो डेट तो है, उनकी रेट भी है, कई नहीं है। हाँ डेट तो सेम हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ डेट आ रहा है, कई इंक्रीज होगा, कैसे निकालेंगे? वो केओ अनलीवर्ड होता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था केओ यू था। एक तो ट्विस्टेड क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो केओ ये तो ले नहीं सकते। अब सोचो भाई, कैलकुलेटर दो। कैसे करें भाई आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट? सोच रहे हैं लोग कैलकुलेटर। जुगाड़ कहाँ गई? हाँ वो देख रही है इतनी। क्या भाई कई सेम तो नहीं रहेगा, डेट बढ़ रहा है, एजम्पशन तो नहीं ले सकते। हाँ तो एक तो एक कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन बढ़ेगा कैसे? सो लो जी, मैडम ने बोल दिया वैल्यू ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रखो। ठीक है मैडम, वैल्यू ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रखा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू ईबीटी डिवाइडेड बाई के, ऐसा ही था। K is equals to EBT divided by value of equity into 100. So it is equals to 3525000 divided by 168750 into 100 is equals to 20.89 या 90%। ठीक है, यानी एक चीज तो कॉन्स्टेंट करनी पड़ेगी तभी का पार्ट आगे बढ़ेगा। ये कौन सा वाला अप्रोच चला रहे हो? कई कांस्टेंट नहीं है, कई इंक्रीज कर रहे हो। हाँ जी, यहां पर आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी कांस्टेंट कर दिया है।
ये बेसिकली NOI, जहाँ कई इंक्रीज कर रहे हो डेट के साथ में, पर थोड़ा सा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हम इसको कोई थ्योरी के तौर पे ना लें तो ही ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है यहाँ पर जी, ये हमारे पास में कई आ गया है फिर से, सोर्स इक्विटी डेट 1 डेट 2 अमाउंट 1,687,500,75 लाख नंबर। अच्छा ये तो डेट वन तो एग्जिस्टिंग वाला था 93,75 एंड दिस वन 75,000,000। वेट टोटल कर लीजिए, के वेट इनटू के इज योर KO, यानी एजम्पशन तो मैडम ने भी ले ली। क्या ली मैडम ने एजम्पशन? वैल्यू ऑफ इक्विटी को क्या रखा उन्होंने? कांस्टेंट रखा। कंप्लीट करिए जी। अज्यूमिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कॉन्स्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट, लो जी क्वेश्चन खत्म हुआ। चेक करो, डन, क्लोज कर दूं? एक और नहीं, फिर 40 होमवर्क कर दें, मतलब भूख का इंतजाम कर लो तो बैठ जाएगी। चलो फिर 40 होमवर्क है भाई। अभी थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, आई थिंक एक पार्ट में प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकंड तो इजी है, सेकंड थर्ड पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो होमवर्क है अब आपका, डन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।